कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्या निकलिया है 03 लास्ट। वैसे ये लास्ट नहीं हो रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी भी इसी के अंतर्गत है, पर अपन सोचा कि रेडियो एक्टिविटी को एक अलग हेडिंग के अंतर्गत पढ़ा जाए। लंबा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, तो लेंथ अधिक ना हो जाए इसलिए निकलिया को आज लास्ट कर रहे हैं और अगले लेक्चर से आपको मिल जाएंगे रेडियो एक्टिविटी लेक्चर फर्स्ट से। तो आइए दो टॉपिक आज इसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे, जिसमें एक आप देख रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है और दूसरा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, तो इस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कैसे समझे पहले। तो आइए फिर पिछला लेक्चर को याद करते हुए एक एटम बना लेते हैं। एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस पर इनको दिखा रहे हैं जूम करके। क्या दिखा रहे हैं? जूम कर दिए इनको। अब इसमें मान लिया जाए कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, ऐसे करके इसमें बिखरे हुए। ठीक, थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं संख्या। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो ये जो होता है ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि इन सबको बांधने वाला जो एक बल होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। नहीं, न्यूक्लियर क्या होते हैं? एक न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। तो क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। क्या है? न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। अब हमें चाहते हैं कि हम न्यूक्लियॉन्स को अलग करें, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, या प्रोटॉन प्रोटॉन को, क्या कर लें? अलग कर। वैसे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपने युकावा की थ्योरी, मिजम्स थ्योरी को भी देखे होंगे पिछले लेक्चर में, इस पर ज्यादा जिक्र ना करें। करना क्या है कि इसको हम, और एक चीज और देखे होंगे, याद रखने योग्य बात इसमें है कि न्यूक्लियर फोर्स में देखे होंगे कि ये फ्यू फर्मीमीटर्स, मतलब शॉर्ट रेंज के लिए ये मान्य होता है। यदि लंबा रेंज कर दें तो न्यूक्लियर फोर्स किसी काम का नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो ऐसे काम कर रहा है, मान लिया जाए इसमें दो ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं? दो ले लेते हैं, और एन है और पी है। नहीं, इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स इधर की ओर और इस पर इधर की ओर काम कर रही है, मैंने एफ एन, एन फोर न्यूक्लियर फोर्स, एफ एन, एन फोर न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अगेंस्ट एक वर्क डन करते हैं, इसके अगेंस्ट एक वर्क डन करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट, न्यूक्लियर फोर्स के विरुद्ध न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए किया गया कार्य ही क्या हो जाता है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हो जाता है। कि मैंने जितना कार्य करेंगे इसको अलग करने में, शायद उतने ही एनर्जी से आपस में क्या हुए हैं? बंधे हुए। ठीक, पर इसको कितना दूर तक अलग करें? इतना दूर तक अलग करें कि फिर ये आपस में इंटरेक्ट ना हो, फिर ये आपस में संघनित ना हो, फिर ये आपस में एक जगह इकट्ठा ना हो। इस फोर्स से इतना हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स के विरुद्ध, न्यूक्लियर फोर्स को विरुद्ध न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में किया गया कार्य को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते। ये तो सिंपल सी भाषा हुई, न्यूक्लियर फोर्स के विरुद्ध न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। ठीक, पर इनको और यदि हम देखें और करके, नहीं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स के विरुद्ध न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स को इतना
विस्थापित किया जाए कि किया जाए कि न्यूक्लियॉन्स आपस में पुनः पुनः इंट्रैक्ट नहीं करें नहीं करें नहीं करें। फिर यहां कहेंगे न्यूक्लियॉन्स को विस्थापित करने में किया गया कार्य न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाता। ये देखिए विदाउट एक्सप्लेन ये एक्सप्लेन कर दिया, कहता है कि न्यूक्लियर फोर्स के विरुद्ध न्यूक्लियर को अलग करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। पर और करके देखिए इससे ज्यादा ये कंफर्टेबल और फ्रेश है, न्यूक्लियर फोर्स के विरुद्ध न्यूक्लियंस को इतना विस्थापित किया जाए कि न्यूक्लियंस आपस में पुनः इंटरैक्ट ना हो, माने इन दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ा दिया जाए कि फिर ये दोनों आपस में एक जगह संगठित ना हो, इंटरैक्ट नहीं करें। न्यूक्लियंस को विस्थापित करने में कौन सा विस्थापन, यही विस्थापन ताकि पुनः फिर आपस में इंटरैक्ट न हो, विस्थापित करने में किया गया कार्य न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। हमें उम्मीद है कोई तकलीफ नहीं हुई होगी इसको समझने में, नहीं तो फटाक से इनको क्या कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए फटाक से थोड़ी त्रुटि किया गया कार्य और न्यूक्लियॉन्स को, ठीक नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए ये डेफिनेशन लिख लिए होंगे, जरा और एक आध बातें लिख लेते हैं थ्योरी के, फिर हम लोग इसके एक्सप्रेशन की ओर पढ़ेंगे, इसके ओर एक्सप्रेशन आगे क्या कहता है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का बेस्ट एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी से मिलता है। क्या करता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का बेस्ट एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन मास एनर्जी को वैलेंस थ्योरी से मिलता है। अब देखिए इसमें कहीं कहीं हाय हुए वो को का लिखने में छूट जाता है ना, तो आप जो सुनते हैं ना उसके आधार पर भी लिखें या थोड़ा अनुमान भी लगाएं कि आप क्या बोले होंगे, नहीं मिलता है। अब ये मास एनर्जी को वैलेंस क्या है, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर, पर यहां पर आया कहां से, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट की अवधारणा लिया गया। इसकी आवश्यकता है नहीं, पर मास डिफेक्ट क्या है सोचने वाली बात है, नहीं ये मास डिफेक्ट क्या होता है, इस मास डिफेक्ट को जान लेते हैं कि मास डिफेक्ट क्या है, इधर मिटा दें। चलिए जब तक मास डिफेक्ट नहीं आएंगे तब तक हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। तब क्या आ जाता है, यहां पर एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है, जब हमने देखा मान लिया जाए कि जब इसको तराजू पर चढ़ाया
जब इसको तराजू पर चढ़ाया तो ये कहता है ये 5 केजी। ये पिंड कितने केजी के हैं? 5 केजी के। जब इसी पिंड को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए, छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके इसको तोला, तब ये कहा कि नहीं ये 5.02 केजी है, 5.02 केजी है, यही पिंड है। जब इसको संपूर्ण को मापा तो इतना, जब अलग अलग मापा तो इसकी द्रव्यमान बढ़ गई। आखिर कहां गया द्रव्यमान, ये 0.2 केजी मान लेते हैं, लेट्स। तो ये जो अंतर है माने 0.5 - 5 = 0.02 केजी का ये जो अंतर मिला है, दिस इज मास डिफरेंस, मास डिफरेंस। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, बनाते समय ऐसा कुछ हुआ होगा, अलग अलग पार्टिकल लिए, देखें कि सेटअप नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये तो आपको बताएं कि ये मास डिफेक्ट है, पर वास्तव में न्यूक्लियर के अंदर हुआ क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में हुआ क्या होगा, तो इसको जरा मिटाएं और देखते हैं मास डिफेक्ट। मिटा रहे हैं, ये एसिड मास डिफेक्ट। इसमें हुआ क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग, अब देखिए न्यूक्लियर में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका जो कहा गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और यहां पर लिया मास ऑफ न्यूक्लियस। जब ऐसा करने लगे हम तो पता चला कि ये ऐसा हो रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस से थोड़ा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन के कारण इसके मास में कुछ अंतर आया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, जब ये आपस में क्या हो रहे थे, संघनित हो रहे थे, तो कुछ एनर्जी इन्होंने क्या किया है, लॉस किया होगा, या कुछ एनर्जी इन्होंने क्या कर ली है, गेन कर ली है, जो E बराबर MC² से कुछ मास इन्होंने कंजर्व कर लिया ज्यादा, ये कुछ हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट मास, कौन सा मास, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको क्या कहेंगे, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको क्या कहेंगे, रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास डिफेक्ट का डिफिनेशन क्या बना, मास डिफेक्ट को हम डेल एम से डिनोट करेंगे, किसे डिनोट करेंगे, डेल एम से। अब यही मास डिफेक्ट किसमें बदल जाएगी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी, इसके मदद से मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी से। तो क्या कहता है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट से देखा गया। अरे इसको हम लोग जो एक्सपेरिमेंट पहले किए थे ये भी एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग ये भी एक्सपेरिमेंट है और ये भी एक्सपेरिमेंट से लिया गया, पर ये अंतर हुआ कहां और कैसे अंतर हो गया, तो इसकी तो व्याख्या यहां पर नहीं मिलेगी कि आपको मास डिफेक्ट होता कैसे है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, जब ये आपस में मिल रहे होते हैं शायद उस समय इन्होंने कुछ एनर्जी गेन किया हो जिसके कारण इसकी दोनों की मास बढ़ गया, और इन दोनों की मास, टोटल मास इनका क्या हो गया, थोड़ा स्लाइटली, ज्यादा नहीं, स्लाइटली क्या हो जाता है, लूज कर जाता है, घट जाता है। इसके वजह क्या है कि इनसे हो सकता है न्यूक्लियर बाइंडिंग के दौरान जो होता है मीजोन्स, किसके ये ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा अंतर क्यों आया, तो ड्यू टू मीजोन्स एक्सचेंजिंग,
किसकी वजह से ये क्यों हो रहा है ऐसा अंतर, दोनों में क्यों अंतर ऐसा आया? जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो ड्यू टू म्यूजॉन्स एक्सचेंजिंग। और म्यूजॉन के बारे में आपको बताए थे कि इस म्यूजॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 270 गुना ज्यादा होता है, 270 गुना ज्यादा होता है। तो जब यहाँ पर देखें कि कुछ म्यूजॉन्स को इन्होंने इमिट किया होगा, कुछ म्यूजॉन्स को इन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा, तो म्यूजॉन्स के एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग में के वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने रूप क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो यही म्यूजॉन्स के एक्सचेंजिंग के दौरान मास में थोड़ी बहुत क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, मास दोनों का एक जैसा नहीं मिल सका। तो मास डिफेक्ट आता कैसे है, मास डिफेक्ट क्यों होता है? तो ड्यू टू म्यूजॉन्स एक्सचेंजिंग। किसकी वजह से? म्यूजॉन के एक्सचेंजिंग की वजह से। क्या कहेंगे इसको अलग म्यूजॉन्स एक्सचेंजिंग नहीं होता है? नहीं। क्या इसको अलग रखते हैं तो म्यूजॉन एक्सचेंजिंग नहीं होता है? नहीं। जब ये दोनों के बीच न्यूक्लियर बल काम कर रहा होता है तो युकावा ने बताया कि न्यूक्लियर बल का कारण, मेन कारण है म्यूजॉन्स का एक्सचेंजिंग। तो म्यूजॉन्स एक्सचेंजिंग के दरमियान इसके मास में थोड़ी बहुत क्या आ जाती है, परिवर्तन आ जाती है, जिसे हम लोग मास डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इनको परिभाषा में लिखेंगे, पहले इनको आप नोट कर लीजिए, जरा फटाक से नोट कर लें, जो कुछ छूट जाए ना तो अपने से भी, जैसे कि मेएससी इत्यादि वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है तो ये सब थोड़ा सोच समझ कर लिखेंगे, नोट करें। तो चलिए, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है किसके वजह से, ड्यू टू एक्सचेंजिंग ऑफ म्यूजॉन्स। क्योंकि म्यूजॉन्स की दोनों जब ये पास पास आता है ना तो म्यूजॉन्स की बहुत बड़ी खेल हो जाती है, और जब म्यूजॉन्स का खेल हो जाता है तो किसमें अंतर आ जाती है, म्यूजॉन्स के मास के डिफेक्ट में। तो मास डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या, नहीं क्या कहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल रेस्ट मास, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल रेस्ट मास एवं न्यूक्लियस के रेस्ट मास के अंतर को मास डिफेक्ट कहते हैं। यदि अपन मास डिफेक्ट को एम से दिखाया है तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ पी प्लस मास ऑफ एन माइनस मास ऑफ बड़का। इसका मतलब हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास डिफेक्ट, ये फॉर्मूला बन गया। पर ये फॉर्मूला अभी लगेगा नहीं, ये कच्चा फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला? ये कच्चा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी पक्का नहीं है। ये फॉर्मूला कैसा है, ये कच्चा फॉर्मूला है। तो फटाक से नोट कर लीजिए, उधर हम डिलीट करते हैं। ये फॉर्मूला अभी कच्चा है, इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, पक्का करते हैं। तो यहां पर एक सेपरेट एक लाइन लिख लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ एन बी ई, बोले तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इस एन बी ई को अपना किससे दिखाएंगे, कुल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। लेट्स मान लेते हैं ये एक्स, ये जेड और ये क्या है, एक न्यूक्लियस। जेड क्या है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक क्या है, इसको मास नंबर कहते हैं या इसको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या इसे कहते हैं
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर के क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहां पर देखिए, यदि जेड तो बराबर तो प्रोटॉन की नंबर, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ए बराबर हो जाता है पी प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस जेड, नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। ये इतना कैलकुलेशन किए हैं एक न्यूक्लियस को मान करके, फटाक से इनको नोट कर लें और इधर डिलीट मारेंगे, फटाक से नोट कर लें। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां मान लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एम एन, क्या मान लिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एम एन, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एम पी, मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू एम और बड़का एन। ठीक, तो यहां पर जरा देखिए मास डिफेक्ट इक्वल टू क्या है, डेल एम इक्वल टू, तो डेल एम इक्वल टू देखे थे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये एक ओ प्रोटॉन का, पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है जेड के बराबर, तो क्या लिखेंगे जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये किसके बराबर आ जाता है मास डिफेक्ट के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एम को जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम बड़का एन, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस ओ आर। अब आइए इसको देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी, किससे, फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो की बराबर क्या जानते हैं हम लोग, एम सी स्क्वायर, पर यहां पर बॉन्डिंग एनर्जी निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो एन बी ई, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल एम इंटू सी स्क्वायर, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फटाक से नोट कीजिए, इधर नोट कर लिए थे, इधर नोट कीजिए फटाक से। तो चलिए यहां पर क्या करें, डेल एम का वैल्यू पुट कर देते हैं, एन बी ई बोले तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी नहीं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो डेल एम की जगह पर क्या आ गया जेड एम पी जोड़ ए माइनस जेड एम एन माइनस एम बड़का एन। तो ये तो मास डिफेक्ट हो गया, अब बगल में क्या है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर, ये हो गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। यहां देख लेते हैं, यहां जेड एम पी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ए माइनस जेड इंटू एम एन इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन इन न्यूक्लियस, क्लियर। तो ये
जेड एम पी जेड एम। अब यहां पर देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम तो क्या हो जाएगा, बराबर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बटा नंबर ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये हो जाएगा एक न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी की कंसेप्ट मैंने थ्योरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल क्या कहते हैं मैथमेटिकल समाप्त हो रही है। एक छोटा सा क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर नोट किया गया है। किसके आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कर ले, तो पहले छापे होंगे इनको छापिए फटाक से। कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्लॉट, एक आलेख लिया गया किसके किसके बीच, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिया गया है, रख दिया यहां पर जीरो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आगे और बढ़ा दीजिए कहां तक, नौ, ठीक। और ये जो मापा गया है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा गया, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार पांच पांच छह सात। और ये जो लिया गया है जितने एलिमेंट अभी तक खोज हुई है सबको बारी बारी से एक्सपेरिमेंट किया, सबका बारी बारी से एक्सपेरिमेंट किया और पाया इस पर जो अंतराल लिया है उन्होंने जीरो से बीस चालीस साठ अस्सी सौ एक सौ बीस एक सौ चालीस एक सौ साठ एक सौ अस्सी दो सौ और इधर ले लिया दो सौ बीस बीस चालीस साठ अस्सी सौ एक सौ बीस एक सौ चालीस एक सौ साठ एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी द्विशा पूरे द्विशा ये है क्या। इस पर तो मान लिया कि दिखाया है इसके तो पांच छह यहाँ का, इस पर तो मान लिया कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिखाया किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आ इस पर किसको दिखाया, ये मास नंबर को दिखाया, मास नंबर मीन्स किसको, ए को, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये मास नंबर को दिखाया है इधर की ओर बढ़ते कर, तो क्या करते हैं छोटा छोटा डॉटेड लाइन खींच देते हैं, बीस चालीस साठ वाला अस्सी वाला सौ वाला एक सौ बीस वाला एक सौ चालीस वाला एक सौ साठ एक सौ अस्सी आ जाओ भैया तुम दुई सौ थोड़ा इधर उधर हो रहा है ये हो जाओ दो सौ बीस तुम्हें भी आ क्या कोई बात नहीं मेरा क्या जाता है दो सौ बीस, ठीक। ऐसे आप डॉटेड लाइन दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, स्टडी के लिए अच्छा है। सबको क्या कर लेते हैं काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है किनके किनके बीच है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर कह सकते हैं और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ये बराबर बराबर डिस्टेंस पर होनी चाहिए। पर अपने पास तो मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट अभी है नहीं वर्तमान में,
और इतनी बड़ी स्केल की भी अभी तक हमने खोज नहीं किया है। मार्केट में मिल जाए तो लेते आना कपड़ा काटने वाला स्केल नापने वाला, उससे अच्छा है। ठीक, इस तरह की कहानी। अब जरा पेन चेंज करते, क्या कर लेते हैं, पेन को चेंज कर लेते, हीलियम से आ गया लिथियम, आ गया है ग्राम दिखाया है 7, आ गया 5 पर। यहां से जो है हाइड्रोजन को 1 से उठाया, यहां पर हाइड्रोजन को लिया H2, और यहां से जो है सीधा पहले गया है 7 से वापस आ गया पुनः 5 पर एक्सपेरिमेंट में, और 5 से सीधा 8 पर गया, 7 8 7। लगातार यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर Hc को लिया, यहाँ लिथियम है, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, मैंने हीलियम 2, लिथियम 7, 4, 14, कार्बन 12, नहीं कार्बन 12, कार्बन 14 नहीं कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 14। यहां पर जो है आयरन को पिक किया गया, Fe 56, और यहां जो लिया गया है यूरेनियम 235। इधर पिक किया गया। पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करें आप एक मिलान से, उसके बाद फिर इसको समझते हैं कि आखिर ये ग्राफ करता क्या है। ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, कौन सी प्लॉट है, एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है। इधर देख लीजिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इधर है ये मास नंबर का 20-20 के अंतराल में रेंज लिया गया है, पर एक्सपेरिमेंट जो किया ना वो प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग किया है, तो फटाक से नोट करें। चलिए जरा ये प्लॉट कहता क्या है इनके बारे में समझते हैं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन, यहां पर 2 लिखा हुआ है, पर हाइड्रोजन का और ढेर सारे समस्थानिक है। इस सारे प्लॉट में देखिए कि हाइड्रोजन के प्रति न्यूक्लियॉन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 1 है, मतलब सबसे कम है। फिर उसके बाद बढ़िए ऊपर, एक्सपेरिमेंट से आया है हीलियम का लगभग 7.23 के आसपास आया है, जैसे ही लिथियम पर आए गिर गया 5 के आसपास आ गया, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घटता जा रहा है। जैसे ही यहां से बढ़ा कार्बन के पास गया लगभग 7.57 के आसपास आ रहा है, नाइट्रोजन फिर डाउनफॉल में गया, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 नहीं, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 यदि आता तो और डाउन हो जाता, कारण है। फिर ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ा ऊपर गया, ऊपर यहां पर देख रहे हैं कि ये कौन है, आयरन, आयरन जो है यहां से सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा पिक पॉइंट लिया है लगभग 8.8 वगैरह के आसपास, कितना 8.8 के आसपास। जैसे ही यहां से हम लोग आगे बढ़ गए ये तो ज्यादा गिरा दिए, इतना ज्यादा गिरता नहीं, यदि छाप लिया आपको मिटाना नहीं है, ये गिरता कितना है मैं ये बता रहा, ये गिरता कितना है, यहां पर यूरेनियम 238 होगा, ये गिरता इतना नहीं, ये गिरता इतना है, U238 मतलब यहां से यहां लगभग क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है, कहां से कहां, यहां से लगभग, ये प्लॉट यदि देखा जाए तो यहां से लगभग यहां तक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसमें सबसे मैक्सिमम किसका आया है, Fe का, ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किधर से आया है, पर न्यूक्लियॉन। तो इसके बारे में जरा लिखते हैं कि डाटा क्या कहता है, यहां से याद करने योग्य बात है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होता है पर न्यूक्लियॉन सबसे कम किसका और सबसे ज्यादा किसका, आयरन लोहा का। तो इसमें थोड़ा हम बीच में मिटा लेते हैं, यहीं पर लिखने का कारोबार करते हैं, इनको तो आप लिख लिए होंगे, इधर यूरेनियम की बात नहीं करेंगे, इसको रखेंगे। चलिए यहां से हम साफ करते हैं, साफ करने का एक ही कारण है कि इसके बारे में कुछ लिखना,
नंबर एक क्या कहता है देखिए, नंबर एक कहता है कि हल्के न्यूक्लियस का एनबीई पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होता, जैसे H11, H12, H13, etc. मैंने ये हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है कि मास नंबर 2 से 20 तक, 2 से 20 तक में डाउन कौन गया है, केवल लिथियम डाउन कौन गया है 2 से 20 तक में, एनबीई पर न्यूक्लियॉन, एनबी 2 से 20 तक में पर न्यूक्लियॉन जो होता है पिक इंडिकेट द मोर स्टेबल अदर, 2 से 20 तक में कहता है पर न्यूक्लियॉन, 2 से 20 तक में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है ये 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 अधिक है, क्या है अधिक है, नॉट में Li7 का एनबीई पर न्यूक्लियॉन कम है। तीसरा नंबर कहता है मास नंबर 30 से 120 तक एनबीई पर न्यूक्लियॉन सबसे अधिक है, मैंने औसत आया है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहां से कहां तक लगभग 30 से लेकर के और 120 तक, तीसरा नंबर होगा यहां पर नॉट। संपूर्ण टोटल न्यूक्लियाई में सबसे अधिक, सबसे अधिक एनबीई पर न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन एफई 56 प्रत्येत 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है का है। चौथा और अंतिम भारी न्यूक्लियस 120 से भारी न्यूक्लियस मास नंबर 120 से आगे, मास नंबर 120 से आगे भारी न्यूक्लियस मास नंबर 120 से आगे का एनबीई पर न्यूक्लियॉन घटता है। यहां पर आपने देखा होगा जब ये बढ़ा था तो ये ऐसे करके चला था, तो जैसे हम 120 को क्रॉस किए एकदम ये डाउनफॉल में जा रहा है। आखिर ये बताता क्या है, नहीं इस प्लॉट का अध्ययन करने से फायदा क्या मिला, तो सबसे कम यहां ये देखिए हाइड्रोजन का सबसे कम, फिर उनसे यदि थोड़ा कम की बात करें ज्यादा की बात करें तो कौन है Li लिथियम है, सबसे अधिक कौन है आयरन है, मैंने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इन डाटा को याद रखें, यहां से एक आध ऑब्जेक्टिव तो बोर्ड में बन ही जाता है। VVI मार कीजिए इस डाटा को, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है VVI। अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहता क्या है, जस्ट इसके बाद वाला जो टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी उसमें दिखा देता है ये। तो फटाक से नोट कर ले, हम इसको मिटा देंगे और लिखेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, फटाक से नोट करें।
चलिए अगला हेडिंग लगा देंगे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थायित्व। क्या होता है? अस्थायित्व। अस्थायित्व में हम लोग दो चीज का अध्ययन करते हैं, पहले स्टेबल, स्टेबल का मतलब अस्थायी, समझिए पहले, और इसको क्या कहते हैं? अस्थायी। अब कहेंगे बगल वाले को साफ नहीं किए, नहीं तो बस बगल वाले जो है ना यही तो इसको जान मारेंगे। हाँ वाह 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 वाह। तो क्या कहेंगे? अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या होता है? यह नाभिक या न्यूक्लियस विखंडित विखंडित नहीं होता है। और यह क्या होता है? यह प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से विखंडित विखंडित हो सकता है। नहीं तो विखंडन का मूल कारण क्या है? विखंडन का मूल कारण क्या? न्यूक्लियॉन्स के बीच विकर्षण। न्यूक्लियॉन्स के बीच क्या है? विकर्षण। विखंडित नहीं होने का मतलब विखंडित नहीं होता, मतलब क्या होगा? अविखंडित ना, अविखंडित। अविखंडित का मूल कारण क्या है? तो न्यूक्लियॉन्स के बीच आकर्षण। न्यूक्लियॉन्स के बीच आकर्षण, न्यूक्लियॉन्स के बीच विकर्षण। यदि न्यूक्लियॉन्स के बीच विकर्षण बढ़ेगा तो विखंडन होगा, और न्यूक्लियॉन्स के बीच आकर्षण बढ़ेगा तो विखंडन नहीं होगा। जिसका विखंडन नहीं हो उसी को अस्थायी कहते हैं, और जिसका विखंडन हो उसको क्या कहते हैं? अस्थायी कहते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा नाभिक अस्थायी है और कौन सा नाभिक अस्थायी है? समझना तो अंत है ना। तो पहले इनको आप नोट कर लीजिए, और मेथड टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी, माने स्टेबिलिटी पता लगाते हैं। स्टेबिलिटी कैसे पता लगाया जाता है? इनको नोट करें, उसको नहीं नोट करना है, इसको नोट करें इसको। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। इनको मिटा दीजिए, अब इन बगल वाले को क्यों नहीं मिटा रहे? नहीं तो इनकी इन्हीं की तो आवश्यकता पड़ेगी, नहीं क्वेश्चन बनाने में यही तो मदद करेगा। यहां पर देखिए नंबर एक, तो चलिए आइए देखते हैं। कुछ देर के लिए बिजली चली गई है तो इसलिए थोड़े लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पर यहां पर समझिए क्या कहता है। पहला नंबर कहता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यदि अधिक हो, ऊपर की ओर होना अधिक, तो स्टेबिलिटी अधिक होती है। कारण क्या है इनका? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अधिक हो तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है? अधिक होती है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अधिक होने का मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स अधिक है। न्यूक्लियर फोर्स अधिक है का मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऊपर की ओर तीर अधिक है। न्यूक्लियर फोर्स जब अधिक है तो मैंने अट्रैक्शन अधिक होता है। अट्रैक्शन मैंने आकर्षण क्या होता है? अधिक होता है। आकर्षण अधिक होता है तो यहां पर हम बगल में लिखते हैं मोर स्टेबल। जैसे क्वेश्चन देगा विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सबसे अधिक अस्थाई होगा? ए नंबर में H11, बी नंबर में HE42, सी नंबर में LI73, और डी नंबर में H12।
तो अब वहां ग्राफ में देखे होंगे कि लिथियम सबसे कम, ये कम, इसमें इसका कम, और 2 से 20 तक में अधिक होता है। तो 2 से 20 तक में देखिए लिथियम तो वहां लिखा रहा है, यहां पर कम है नहीं, हाइड्रोजन कम में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है बहुत कम होता है, इसमें आंसर कौन हो जाएगा H। क्लियर। अब ऐसा नहीं कि परमाणु संख्या के आधार पर इसको अलग अलग करेंगे। अब इनका वजह क्या है, देखे होंगे कि H1 का जो होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम, माने स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम का मतलब ये क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, इसलिए तो इसका एप्लीकेशन हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन बम बनाने में ये आसानी से विखंडित हो जाता है, अगर ये आसानी से विखंडित होता है तो इसका बम का निर्माण भी आसानी से हो जाता है। क्लियर। तो नंबर 1 फटाक से आप नोट कर लीजिए, फटाक से। चलिए पहला नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या देखेंगे, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन से अधिक न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या होने से क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होने से, न्यूट्रॉन की संख्या होने से होता क्या है, स्टेबिलिटी अधिक होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। कारण क्या है, मैंने किसकी संख्या बढ़ा, न्यूट्रॉन्स बढ़ा, मैंने क्या बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ा। कारण क्या है इनका, कारण देख लेते हैं। कहता है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से प्रोटॉन के बीच अस्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्शन फोर्स बढ़ता है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बढ़ता है। जब रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियस अंदर एक जगह रहेगा, नहीं रहेगा, वो विखंडित होना चाहेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रोटॉन की तुलना में किसकी संख्या अधिक होनी चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जरा इनको आप मिटा लेते हैं और इनको दूसरे तरफ से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दूसरे तरफ से भी कह सकते हैं कि यदि एन बाय पी रेशियो, एन माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पी माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, यदि एन बाय पी रेशियो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए 1 के, तो न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेबल होगा। न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल, माने स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऊपर की ओर, पी माने अधिक। यदि यही एन बाय पी रेशियो कम हो जाए किन से, 1 से, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बेस्ट मेथड है पहचानने का, बेस्ट मेथड अनस्टेबल माने स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। इनको तो 2 तरीका है हमारे पास स्टेबिलिटी को पहचानने का, 1 बाइंडिंग एनर्जी से, उसमें कुछ डाटा वगैरह याद रखना पड़ेगा,
और इसमें क्या करना है कि न्यूक्लियस में देखना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, प्रोटॉन की संख्या निकालना है। यदि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन अधिक है तो इसका मतलब नाभिक क्या है, स्टेबल। इसका कारण क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्शन फोर्स बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटता है, बढ़ता है, यानी लिख लेते हैं तो स्टेबिलिटी घटता है, रिपल्शन बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन घट जाएगा। तो इनको फटाक से आप नोट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनको यदि आप लिए हैं छाप तो आज न्यूक्लिया की तमाम कहानी क्या हो जाती है, समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग प्रारंभ करेंगे इसी न्यूक्लिया का अगला पार्ट है, यदि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए तो। ये तो स्टेबिलिटी के बारे में बताएं, यदि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए तो क्या होगा। जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो केंद्र में देखे हैं संलयन और विखंडन, सूर्य के केंद्र में संलयन और विखंडन की काम होती है। यूरेनियम के नाभिक अनस्टेबल है तो देखे होंगे उसका क्या बनाया जाता है, बम बनाया जाता है या न्यूक्लियर प्लांट में उसका यूज किया जाता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियस के बारे में कहां पढ़ना है हमें, रेडियो एक्टिविटी में। तो उसको एक सेपरेट हेडिंग के अंतर्गत हम लोग रेडियो एक्टिविटी 0, 1, 0, 2, 0, 3 करके ऐसे करके सेपरेट लेक्चर में उसको देख लेंगे। तो आज की वीडियो कैसे लगी, अंत अंत में थोड़ी बिजली की वजह से परेशानी हो सकती है, पर इसका नोट तैयार कर लें, याद रखें, वीडियो पसंद आ जाए, समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।